14वें वित्त आयोग के तहत कार्य कर रहे संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच आंदोलनकारी रात भर बिरसा चौक पर डटे रहे। ठंड के कारण कई आंदोलनकारियों की तबीयत भी खराब हो गई। वहीं संविदा कर्मियों का कहना है कि वे लगातार सकारात्मक पहल होने तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आयुष ने। वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत में काम कर रहे कनीय अभियंता लिपिक जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। वहीं बीते रात जो है जगन्नाथपुर थाना के समक्ष विधानसभा मैदान से उनके तंबू को उखाड़ा गया था, तब वो तत्पश्चात बिरसा चौक पहुंचे थे। और ये मुझे जानकारी मिल पा रही है, ये तमाम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। उन्हीं में से एक संविदा कर्मी की हालत देखिए, ये सड़क पे जो है औंधे मुंह गिर चुके हैं और किसी तरह उनको होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कौन है भैया? ये प्रकाश नाम है ना, आकाश, मतलब ये कन्हैया बेंते लिपिक है क्या? कंप्यूटर ऑपरेटर, गावा जिला। यहाँ क्या हुआ इनको? बेहोश हो गए, भूखे थे रात भर। हम लोग ठंडा में है, यहाँ पे टेंट से हम लोग को भगा दिया गया। रात को 11 बजे हम लोग रात भर यही है, ठंडा लग गया और बेहोश हो गए हैं। आप देख सकते, कॉल की एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। तो देखिए ये हालात जो है पनपते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है ये बढ़ते जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, ये बिरसा चौक है, आप देखेंगे ये बिरसा चौक के समक्ष जो है कल रात को जब उनको तंबू को उखाड़ा गया, उन्हें वहां से भगाया गया, तब जो है ये बिरसा चौक के समक्ष जो सड़क है, वो सड़क के किनारे जो है तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं जमे हुए हैं। और उनका कहना है कि लगातार यही बने रहेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा। ये तमाम लोग देखिए, ये ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को काम करने वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार से मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं को है वो पूरा करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है सुकेश कुमार है। सुकेश जी, क्या कुछ कल हुआ था और क्या कुछ है जो आप लोग रणनीति बना रहे हैं? सर, हम लोग शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा आज का प्लान था कि हम लोग जाएंगे जाकिर हुसैन पार्क में, शांति से अपनी बात को सरकार के पास रखेंगे, ज्ञापन देंगे। लेकिन कल रात को 9 बजे हम लोगों को 9-10 बजे वहां पे आते हैं थाना प्रभारी और हम लोगों का टेंट उखाड़ देते हैं, हम लोगों को भगा देते हैं। और हमारे एएसपी सर बोलते हैं कि हमारी भी नौकरी है, हम नहीं तुम्हें रख सकते हैं, तुम्हें जाना होगा वहां से। और हमें भगा दिया गया। हम यहाँ पर आकर पूरी रात इसी ठंड माहौल में 4-5 डिग्री में यहाँ रहे। हमारे कई दोस्तों को ठंड लग गया, हम सभी भूख हड़ताल पे हैं। बेहोश पड़ा हुआ है। हाँ, वो हमारे बीच का, उसको कल को ठंड लगी थी और 3 लोगों को ले जाया गया है यहाँ से। हम लोगों का हालत धीरे धीरे खराब हो रहा है। कितना दिन हो गया जब आप हम लोग जब हो सके जमा? हम लोग शुरुआत किए थे 18 तारीख से। 23 तारीख को मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो है कल लेटर निकल जा रहा है, आप लोग चिंता मुक्त होकर घर जाइए। आश्वासन के बाद आप लोग चाहते क्या है? आश्वासन तो मिल चुका कि जल्द आपको लेकर सकर। आज हमारी नौकरी का अंतिम दिन है, आज के बाद हम नौकरी में नहीं रहेंगे, हमारी संविदा खत्म हो रही है। तो ये थे सुकेश कुमार, जो कहीं ना कहीं एक कनीय अभियंता है। इनका कहना है कि इनका संविदा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो है आज समाप्त होने वाला है। और क्या कुछ कोई और भी है, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का कुछ भी नहीं कहना है। जिस तरह से हम लोग ने सरकार की, जो सरकार हमें बहाली की है, सरकार के एक विंग बन के हम जो काम किए हैं, आज हम वही सरकारी के साथ ही चल के हम अपना काम करना चाहते हैं। परंतु सरकार ने जिस तरह से हमें ठगा है, 4 साल हमने काम किया सरकार के साथ, 2015 में हमारी नियुक्ति हुई थी और इस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं। अंतिम में ये कोरोना जैसी विकट परिस्थिति के बाद जो हम कहीं भी किसी तरह के दूसरे रोजगार में हम नहीं अपने आप को पाए, तो आज हम सरकार के साथ मिलकर और सरकार के सारे कामों को हमने किया। सरकार जल्द से जल्द उनको लेकर कोई फैसला करे, तब जाकर ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं सामान्य हो पाएगा। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत।